हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हम हैरोड डोमार मॉडल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अजम्पशंस डिस्कस कर चुके हैं एंड हैरोड का मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डोमार का मॉडल। कुछ नोटेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं। वाईडी को, इन सभी नोटेशंस को उन्होंने यूज़ किया है, इसलिए पहले ही उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। वाईडी क्या है? लेवल ऑफ नेशनल इनकम और लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। हैरोड डोमार दोनों ने इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट की बात की है कि इन्वेस्टमेंट अधिक होने से इनकम और डिमांड कह लीजिए, और दूसरा क्या है, एक तो इनकम इफेक्ट होता है या डिमांड इफेक्ट कह लीजिए, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और वो किससे रिलेटेड है, सप्लाई इफेक्ट से। तो वाईडी किसको शो कर रही है, इनकम और डिमांड को। YS क्या शो कर रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और सप्लाई, लेवल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी और सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। K है रियल कैपिटल या स्टॉक ऑफ कैपिटल। I क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ रियल कैपिटल। रियल कैपिटल में जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। चेंज इन के हमने हैरोड के मॉडल में भी इस्तेमाल किया था, चेंज इन के किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। अल्फा, अल्फा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/अल्फा। और ये सिग्मा, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। जो हमने हैरोड के मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो किया था, ये उसका रेसिप्रोकल है। या यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आउटपुट, और ये कैपिटल। अब हम आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात कर रहे हैं। हैरोड के मॉडल में हमने कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात की थी, ये क्या है, आउटपुट कैपिटल रेशियो। इट मीन्स जो डोमार यूज कर रहे हैं वो मल्टीप्लायर का यूज कर रहे हैं और आउटपुट कैपिटल रेशियो का यूज कर रहे हैं। इसको अगर उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो सिग्मा क्या है, पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब दोनों साइड को डोमार ने एक्सप्लेन किया है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड में तो केन्जन मॉडल को ही एक्सपेंड किया है लॉन्ग रन में, जो केन्ज के रिलेशनशिप हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा मल्टीप्लायर है और ये इन्वेस्टमेंट है। उन दोनों के गुना से हम निकाल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है इकोनॉमी में। देखिए, डिमांड साइड की बात करते हैं। डिमांड किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर। इनकम केन्स ने क्या कहा कि किसका फंक्शन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू से। तो उतना चेंज इन इनकम होगा, ये नेशनल इनकम को ही शो कर रहा है, वाईडी या इफेक्टिव डिमांड को शो कर रहा है, अभी हमने देखा। देखिए, दोबारा से देखते हैं, डिमांड इनकम का फंक्शन है और इनकम निर्भर करती है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है। एनी इंक्रीज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा। अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी इंक्रीज होती है। द इफेक्टिव डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये जो इफेक्टिव डिमांड है, ये किससे इनवर्सली रिलेटेड है, ये क्या है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से इफेक्टिव डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है, ये दिख ही रहा है हमें इस इक्वेशन से। चलिए अब इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। वाईडी क्या है, इफेक्टिव डिमांड किसके इक्वल होगी, 1/अल्फा इनटू आई। 1/अल्फा क्या है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है, और आई क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट, या इसको क्या कहें, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन के। ये हमारा डिमांड साइड है। इसी प्रकार से सप्लाई साइड उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, सप्लाई भी इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। सप्लाई ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। सप्लाई किस पर निर्भर करेगी, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी किस पर निर्भर करेगी,
दे आर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो हमने आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात की है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब आउटपुट और कैपिटल, आउटपुट कैपिटल रेशियो एंड अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल, कितना रियल कैपिटल है, स्टॉक ऑफ कैपिटल है उस पर, और उसकी उस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी पर, इन दोनों पर निर्भर करेगा। और इनके साथ एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, इनमें से किसी भी फैक्टर में इंक्रीज और डिक्रीज का सेम इम्पैक्ट होगा कि हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी। ये डिमांड और सप्लाई के बारे में हमने बात कर लिया, दोनों साइड्स के बारे में। अगर उनको इक्वालिटी में, इक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, तो अगर हम वाई डी को वाई एस के इक्वल रखेंगे तो वाई डी इसके इक्वल था और वाई एस इसके इक्वल था, तो हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, अल्फा इंटू सिग्मा इंटू के। कंडीशन फॉर स्टेडी ग्रोथ के लिए डोमर की जो इक्वेशन है वो ये है, इट इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, इफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वेटेड विद प्रोडक्ट ऑफ सेविंग इनकम रेशियो, ये हमारा सेविंग इनकम रेशियो है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, ये कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, और कैपिटल स्टॉक, ये हमारा कैपिटल स्टॉक है। इन तीनों के मल्टीप्लाई से हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। अगर हम ये जो एग्रीगेटेड डिमांड और सप्लाई में चेंज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चेंज, देखिए चेंज, हम चेंज इन वाई डी देख रहे हैं, तो इधर भी हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर ये हमने दोनों तरफ चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया, डिमांड साइड में भी और सप्लाई साइड में भी, तो किस प्रकार के चेंजेस होंगे। अब हमारे सप्लाई साइड की हम बात करते हैं, चेंज इन के क्या होता है, चेंज इन के आई के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ चेंज इन के प्लेस पर आई इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, अब हमारा वाई एस किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू आई, चेंज इन वाई एस है ये, यहाँ पर चेंज भी आप इंट्रोड्यूस रखें, हम यहाँ हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, चेंज इन के प्लेस पर आई रखा है, और चेंज इन वाई डी क्या था, ये हमारा चेंज इन वाई डी था, वन ओवर अल्फा इंटू चेंज इन आई, और ये हमने इसको चेंज कर लिया है, चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई कितना है, इतना, ये दोनों को इक्वल रख लिया। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन आई, आई को इधर ले जाएंगे और ये डिवाइड में हो जाएगा, और इधर अल्फा चला जाएगा, अल्फा और सिग्मा मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब ये क्या है हमारा, ग्रोथ रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, आई क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट, और उसके आगे चेंज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अल्फा हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और सिग्मा क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सिग्मा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। तो जो ग्रोथ रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, वो डोमर ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के प्रोडक्ट द्वारा हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ही इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की बात करते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस, जो ग्रोथ प्रोसेस है वो डिफरेंट है। हमने डोमर के मॉडल में सिंपली डिमांड साइड को डिस्कस किया है और सप्लाई साइड को डिस्कस किया है, और दोनों की इक्वालिटी से हमने एक इक्वेशन निकाली है कि चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, अल्फा एंड सिग्मा का मल्टीप्लाई। अब ग्रोथ प्रोसेस की बात कर लेते हैं, डोमर का ग्रोथ प्रोसेस क्या है। यहाँ पर ओ एस लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है, एक्स एक्सिस पर इनकम है, वाई एक्सिस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। जो ये ओ एस है, ये क्या है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ए पी एस और एम पी एस, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। द लाइन ओ एस रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट सेविंग फंक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट सेविंग फंक्शन है, इट्स स्लोप शोज दैट बोथ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर इक्वल एंड कॉन्स्टेंट। जब ओरिजिन से हमारा सेविंग फंक्शन निकलता है तो ए पी एस और एम पी एस दोनों बराबर होते हैं।
अब हम बात करें जो आई है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शंस हैं, और जो ये ई वन और वाई वन है ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व्स हैं। ई वन वाई वन प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व्स हैं, आई इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। एक बार और आप इस लैंग्वेज को देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इन्वेस्टमेंट किसी ऑटोनोमस है तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। आई वन आई टू ये हमारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। द इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट वाई वन रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टिंग में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ये है, और इस पर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है। अब एस वन वाई वन इतना अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? वाई वन वाई टू, वाई वन वाई टू इंक्रीज हो रही है। अब ये अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व है, ई वन वाई वन, ई वन वाई वन प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व है, तो इस पर अगर इन्वेस्टमेंट यही रहता है आई वन, इस पर इन्वेस्टमेंट अगर इतना ही रहता है तो ये पोटेंशियल इनकम जो है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर वाई टू इनकम लेवल प्राप्त करने के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो इस इतना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा, इतना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा। इस इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में गैप है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग इतनी है और इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो इस इनकम लेवल को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट इतना इंक्रीज करना होगा। अब नेक्स्ट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व पर अगर इन्वेस्टमेंट ये आई टू ही रहता है, इतना इन्वेस्टमेंट रहता है, तो यहाँ पर भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये पोटेंशियल इनकम है। पोटेंशियल इनकम मतलब ये प्राप्त की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, और इसको प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट को इतना इंक्रीज करना होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएं। फिर इसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रोडक्टिव कैपेसिटी कर्व है उस पर क्या है? अगर इतना आई थ्री ही इन्वेस्टमेंट रखा जाता है तो फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में गैप है, और इस पोटेंशियल इनकम को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ाना होगा। तो ये ग्रोथ प्रोसेस को दर्शा रहा है डायग्राम। इसी प्रकार से बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बुक में हो सकता है, मुझे लगता है शायद थोड़ा गलत है स्टार्टिंग का जो शेप है। तो इस प्रकार से आप दिखाएंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है और फिर इनकम ग्रो हो रही है। ये आप रिलेशनशिप दर्शा सकते हैं अपने डायग्राम में डोमार के मॉडल के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।